today we will start with the types of economy what are the economic problems and central problem of an economy today we will have three topics so let's get started with the types of economy there are three types of economy apne economy types type economy hai? centrally planned economy market economy and mixed economy so first we will start with the

एंड मार्केट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट से प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ रोल इन इकोनॉमी और गवर्नमेंट का रोल वहां पे कैसा होता है बहुत कम होता है मार्केट इकोनॉमी में सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी अपने सेंट्रल में कौन है गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन देखेगा गवर्नमेंट एंड मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी की लाइक उसको क्या ग्रो करना है कौन सा बिजनेस करना है इट्स अप टू प्राइवेट सेक्टर्स ओनली सेकेंड इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑनप्रेन्योर लैंड एक ऐसा नॉर्मल लैंड नहीं होता मतलब लैंड का मतलब इकोनॉमी में होता है जो नेचुरली गिवन है जहां पे अपन कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं लेबर लेबर क्या करता है लैंड पे वर्क करता है लेबर हो सकता है फिजिकली वर्क कर रहा हो और मेंटली लाइक फिजिकली वर्क वो एग्रीकल्चर खेती का काम कर रहा है मेंटली उसके माइंड में कोई आइडिया है वो जनरेट और फिर वो उसको फिजिकल रूप देगा तो लेबर डिपेंड्स कि कौन सा लेबर है मेंटली और फिजिकली कैपिटल कैपिटल इट मीन्स मशीनरी टूल्स जहां पे मशीनरी टूल्स का यूज होता है वो होता है कैपिटल इन एंट्रप्रेन्योर क्या होता है जब वो लैंड लेबर कैपिटल को मिक्स करके काम करता है दैट इज कॉल्ड एंट्रप्रेन्योर वो एक एंट्रप्रेन्योर का काम है तो ये चारों मिलकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्ड करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी में किसके पास होते हैं गवर्नमेंट के पास मतलब अपन को क्या देखना है जो बेसिस के पॉइंट है सिर्फ उसमें देखना है प्रोडक्शन एक्टिविटी गवर्नमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ये सब अपन को गवर्नमेंट के अंडर लेना है बट वो कौन कौन सी थी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकर में आती है तो वो बेसिस अपन को ध्यान रखने हैं मार्केट इकोनॉमी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज ये पूरा कंट्रोल किसके पास होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रन ये सब एक प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथों में होता है वो देखता है कि मेरे को लैंड का यूज कैसे करना है लेबर को कैसे लेके आना है क्या काम करवाना है कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है और वो एक एंटरप्रेन्योर करता है थर्ड इज प्रोमिनेंट रोल ऑफ अब अपन को ये देखना है कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में किसका रोल ज्यादा होता है और मार्केट इकोनॉमी में किसका रोल ज्यादा होता है तो जो प्रोमिनेंट रोल है जो एकदम सेंट्रली रोल प्ले कर रहा है वो है गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी की बात की जाए तो वो है प्राइवेट एंटरप्राइज तो इसका रोल ज्यादा रहता है प्राइवेट एंटरप्राइज का फोर्थ इज नोन बाय और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को अपन और किस नेम से बुला सकते हैं वो है सोशलिस्ट और कंट्रोल इकोनॉमी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक सेंट्रली प्लान इकोनॉमी ना देके सोशलिस्ट और कंट्रोल इकोनॉमी दे दे तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि सेंट्रली प्लान के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो है सोशलिस्ट एंड कंट्रोल इकोनॉमी सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट सबका भला देखेगी उसका काम है सबका भला करना एवरी इंडिविजुअल का तो वो हो गया सोशल कंट्रोल कंट्रोल मीन्स पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है सेंट्रली सेंट्रली वो कंट्रोल हो रहा है तो ये गवर्नमेंट के अंडर आता है मार्केट इकोनॉमी ये फ्री इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे कोई कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कोई भी आके जिसके पास कैपिटल है ऑन्टरप्रेन्योरशिप है वो आके अपना साम्राज्य बिल्ड कर सकता है इजीली तो ये फ्री इकोनॉमी का काम है एंड कैपिटलिस्ट उसको बोलते हैं जिस के पास मनी है जो आके इन्वेस्ट कर सकता है रिलायंस जियो ये सब क्या है ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है ओके okay? तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कंट्रीज अब अपन को ये भी ध्यान में रखना है व्हाट कंट्रीज कम अंडर द एंड व्हाट कंट्रीज हाउ दे प्लान दे इकोनॉमी तो बेल्जियम न्यूजीलैंड आयरलैंड फिनलैंड चाइना आर दी एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमाइज़ है और प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल मिनिमल है मार्केट इकोनॉमी में कौन कौन सी कंट्री है जो मार्केट इकोनॉमी फॉलो करती है वो है जर्मनी यूएस एंड जापान सो होप्स आई होप सो आपको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस समझ में आया होगा Now comes to the third type of economy that is mixed economy. Mixed economy is a combination of socialism and capitalism. अब मैंने यहाँ पे socialism just word switch करके मैंने लिख दिया है जो कि centrally planned economy और market economy का mixture है So socialism का motive क्या होता है Socially welfare करना society का and capitalism का motive क्या होता है Profit earn करना ज्यादा से ज्यादा profit न करना तो यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी जैसे लाइक इंडिया इज अ मिक्सड इकोनॉमी तो सोशलिज्म और कैपिटलि कैपिटलिज्म इस दोनों का कॉम्बिनेशन है इंडिया तो ये मिक्सड इकोनॉमी हो गया जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशली वेलफेयर भी मोटिव होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं तो वो होता है मिक्सड इकोनॉमी नाउ कम्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वॉट आर द इकनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर द सोसायटी वॉट द फेस आई मीन वॉट इकनॉमिक प्रॉब्लम दे फेस इन द सोसायटी फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सेकेंड इज रिसोर्सेज आर स्कॉर्स इन रिलेशन टू देयर वोन्स सो जस्ट फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस फॉर द प्रोड्यूसर इज उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और वो कौन सा डिसीजन ले जो गुड अच्छा बेचे और बहुत अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस हो तो उसके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है कि वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बिल्ड करे कस्टमर के लिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे और उसको प्रॉफिट हो क्योंकि प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना अब कंज्यूमर के लिए क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे तो एज ए कंज्यूमर अपन ये सोचेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले जो मैं प्रोड्यू जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो ये होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर नाउ रिसोर्सेज आर स्कॉर्स इन रिलेशन टू देयर वॉन्ट्स एज ए ह्यूमन बींग अपनी भी बहुत सारी वोन्स है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए बट रिसोर्सिस कैसे हैं लिमिटेड अपन उससे कुछ खरीद सकते हैं तो कुछ चीज़ें अपन को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जस्ट जस्ट लाइक मनी मेरे पास पचास हजार है उससे मैं क्या ख़रीद सकती हूँ एट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उससे कोई मोबाइल uh, uh, खरीद सकती हूँ कोई लैपटॉप ले सकती हूँ मतलब ये रिसोर्सेज बट मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकती फिफ्टी थाउजेंड में तो यहाँ पे रिसोर्सेस कैसे हो गए स्कार्स इन रिलेशन टू देयर नाउ मैंने जस्ट इस पॉइंट को ही दूसरे वे में लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेस विथ एन अनलिमिटेड वॉन्ट्स अगेन ये वही बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है अपने पास बट अपनी वॉन्ट्स कैसी है बहुत सारी जैसे वाटर वाटर बहुत सारा है बट वो पीने लायक कितना है बहुत कम तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है आज के टाइम पे स्कॉट है वाटर की तो यहाँ पे क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है बट वाटर से अनलिमिटेड बॉन्ड्स है बट उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता बहुत सारी बॉन्ड्स को तो यहाँ पे अपन को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग दैट मैग्जीमाइज ह्यूमन वेलफेयर नाउ डिसीजन मेकिंग किस पे प्रभाव डालती है ज्यादा प्रोड्यूसर पे कि प्रोड्यूसर को एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर भी हो जाए और ये मैक्सिमाइज होना चाहिए मतलब ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन को बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किसके लिए कर रहा है कस्टमर के लिए कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए प्रोड्यूसर को भी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को दे तो ये डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करता है सो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि फेस की जाती है बाय प्रोड्यूसर और एक इकोनॉमी में भी ये फेस की जाती है